नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के मंगल विशेषांक सीरीज में आज बात करने वाले हैं किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में मंगल यदि लग्न से दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या कुछ परिणाम ज्योतिष शास्त्रों में इसका बताया गया है, आपको क्या क्या परिणाम जीवन में मिल सकता है, शुभ या अशुभ। जरूरी नहीं है कि मंगल आपके जन्म कुंडली में दूसरे भाव में ही स्थित हो, लेकिन ये अवश्य है कि यदि आपके कुंडली में मंगल दूसरे भाव में स्थित नहीं भी हो तो भी आपको ये कार्यक्रम इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपके नहीं तो आपके किसी घर परिवार के सदस्य के कुंडली में या किसी मित्र के कुंडली में, किसी जान पहचान वालों के कुंडली में मंगल हो सकता है दूसरे भाव में स्थित हो। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा देखें और वीडियो को आप शेयर भी करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में। पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब के कुंडली दर्शन चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस भी कर दें। चलिए बात करते हैं दूसरे भाव में मंगल। मंगल जो कि ग्रहों का सेनापति है, अदम्य साहस का प्रतीक है, चाहे पराक्रम हो, साहस हो, शौर्य हो, शक्ति हो, बल हो, बाहुबल हो, इन सब का प्रतीक मंगल ग्रह, ऊर्जा का कारक। लेकिन लड़ाई झगड़े का कारक भी मंगल ही होता है। कई सारी चीजों का मुख्य कारक मंगल होता है, पिछले कुछ वीडियोज में आप लोगों ने देखा। इसे धरती पुत्र भी कहा जाता है, अंगारक भी कहा जाता है, क्षितिज भी कहा जाता है, लोहतांग कहा जाता है। हमारे शरीर में खून में, चूंकि खून का रंग भी लाल है तो उसमें मंगल की प्रधानता होती है। ऐसे में मंगल दूसरे भाव में जब स्थित हो, अब दूसरा भाव किस चीज का सूचक है, धन का, कुटुंब अर्थात की परिवार, वाणी जो हम बात करते हैं उसका, संवाद अर्थात कम्युनिकेशन जो एक दूसरे को हम लोग किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं बोलकर, किसी भी भाषा तो संवाद या कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं, तो संवाद का घर भी दूसरा भाव है। खान पीन का भाव दूसरा है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव भी आप दूसरा भाव को बोल सकते हैं। धन भाव, मुख्यतः इसको धन भाव, संचित धन, धन में वृद्धि, पैतृक धन, चल अचल संपत्ति, विरासत, इन सब का मुख्य विचार दूसरे भाव से करते हैं। अब आप देखें ध्यान से, मंगल यदि दूसरे भाव में स्थित होगा तो निसंदेह इनको दो और अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, तो कुल तीन दृष्टियां मिली हैं। सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों को कॉमन है, लेकिन मंगल को चौथी एवं आठवीं दृष्टियां भी प्राप्त है। तो दूसरे भाव में जब मंगल बैठेंगे तो वो अपनी चौथी दृष्टि से कुंडली के आपके लग्न से पंचम भाव को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न से अष्टम भाव को देखेंगे और अपने अष्टम दृष्टि से आपके लग्न कुंडली से कुंडली के नवम भाव को वो देखेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिर्फ दूसरा भाव ही प्रभावित नहीं होगा, सिर्फ दूसरा घर के अलावा यदि देखें तो मंगल जिन जिन चीजों का कारक है वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। इसके अलावा दूसरा भाव से जो जो विचार करते हैं वो प्रभावित होगा। इसके अलावा पंचम, अष्टम एवं नवम भाव, अब पंचम क्या है, संतान का भाव, इंटरव्यू का भाव, हायर एजुकेशन का भाव, पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव, विद्या, इसके अलावा अष्टम आयु का भाव, गुप्त संबंधों का भाव, ध्यान का भाव, रिसर्च का भाव, और नवम भाव तो भाग्य का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव। तो इन सभी बातों में मंगल
सकारात्मक या नकारात्मक असर देंगे। आगे आपको हर लग्न में क्या क्या प्रभाव देगा संक्षिप्त में इस संदर्भ में भी बात करेंगे, मेष से लेकर मीन लग्न वालों पर क्या क्या प्रभाव देगा। लेकिन सबसे पहले इसके सकारात्मक प्रभावों को इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि दूसरा भाव मुख्यतः धन का भाव, एक बात समझे, दूसरे भाव में मंगल के बैठने से आपके आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा असर होने वाला है और इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो द्वितीय भाव में यदि मंगल शुभ हो, बाद में सभी लग्न पे क्या क्या असर होगा उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि शुभ होगा तो क्या प्रभाव होगा और अशुभ होगा तो क्या प्रभाव। अब समझे, द्वितीय भाव में यदि मंगल शुभ हो तो आपको आर्थिक स्थिति में बहुत स्ट्रांग करेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद होगा तो वो भी आप समाप्त करने में सामर्थ्यवान रहेंगे। घर परिवार में बेशक कुछ बातों को लेकर कड़वाहट हो सकता है क्योंकि आपकी जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलेगी और थोड़ा तीखा, आपके जुबान से निकली हुई बातें लोगों के दिल में जाके चुभ तो सकती है, लेकिन फिर भी यदि मंगल अच्छा हुआ तो लगभग ठीक ठाक रहेगा। ऐसे जातक अपने बाहुबल, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे जातक समाज में भी सम्मानित रहेंगे। ऐसे जातकों का जिसके द्वितीय भाव में मंगल शुभ अवस्था में विराजमान हो, कुछ लोग उसमें से शेयर स्टॉक सट्टा ऐसे कार्यों में भी संलिप्त रह सकते हैं और हो सकता है अचानक से उनको लाभ की प्राप्ति भी हो, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे भी जा रही है तो कोई अचानक से बड़ा लाभ भी दिलवा सकता है। संतान पक्ष की यदि बात करें तो संतान पक्ष विषयी होगा, संतान पक्ष तरक्की कर सकता है, संतान के साथ साथ आपके हायर एजुकेशन में भी आपको मंगल दूसरे भाव में शुभ होता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिलवाता है, सिर्फ धन संचय ही नहीं करवाता है, बहुत अच्छा ऊंचे पोस्ट पे पहुंचाने का प्रयास भी करता है। अस्पष्टवादी होते हैं, देखो सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, मेरे दिल में जो आया वो मैं बोलूंगा, मैं रियल दिखूंगा, मैं फेक ना रहूं, इस बात का उनको स्वभाव में गुण विशेष रूप से पाया जाता है। चाहे सामने वाले को बुरा भी लगे, आपके मन में जो आया वो तुरंत बोल देंगे। हो सकता है आपका इंटेंशन, आपकी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की ना रही हो, लेकिन चाहे सामने वाले को ठेस पहुंच भी जाए, आप सत्य बोलने से डरेंगे नहीं, निर्भीक होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, उत्साही होंगे, अधिक ऊर्जावान होंगे, और यही अधिक अधिक ना कई बार नुकसान भी दे जाता है। अति सर्वत्र वर्जित, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग दिलवाएगा, नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आएगा, एक कुशल प्रबंधक आप हो सकते हैं, किसी चीज को मैनेजमेंट करने का भी बहुत अच्छा पावर होगा आपके अंदर। आप पर्सनली भाग्य का साथ भी आपको कई बार मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिल सकता है क्योंकि भाग्य भाव पे भी मंगल दृष्टि वहां पर डाल रहे हैं, बसरते शुभ हो। तो ऐसे जातक टेक्नोलॉजी से भी बहुत अधिक जोड़ना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं कि तकनीकी संबंधी में भी नई नई तकनीक ग्रहण करते हैं, लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, समय के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, भूमि हो, मकान हो, वाहन हो, इन सभी चीजों का सुख उन्हें प्राप्त होता है। यदि शुभ हो तो अशुभ ग्रहों की दृष्टिया ना हो, अशुभ तरीके से ना हो मंगल, अभी बताएंगे आगे। और अच्छा, एक बात और खासियत होती है ज्यादातर, मैं सबका नहीं बोलूंगा, वैसे ज्यादातर ऐसे जातक ज्यादातर
सरकारी नौकरी करना पसंद करेंगे या फिर अपना व्यापार करना पसंद करेंगे। किसी के नीचे बहुत ज्यादा दबकर काम करना पसंद नहीं करते। प्राइवेट नौकरी में भी ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे पोस्ट पे रहेंगे और ज्यादातर अपनी चलाने की प्रयास करेंगे। जीवन में अपने आप को प्रूव्ड करने का कोशिश करेंगे कि नहीं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। और सबसे मुख्य बात फिर से एक बात बता दें आपको कि चूंकि ये धन संचय का भाव है तो मेहनत पूरा लगा देंगे धन संचय करने में। लेकिन अब जानते हैं कि यदि मंगल अशुभ हो तो क्या प्रभाव देगा। अब समझें, अगर मंगल किसी क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, या अभी जिस जिस लग्न पे मैं आपको इशारा करूंगा कि शायद अशुभ परिणाम भी दे सकता है, उन सभी लग्न का अभी बात करेंगे। तो मंगल यदि अशुभ हो तो एक बात समझें कि आपकी वाणी में इतनी कटुता आ जाएगी कि आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और। बात तिल का ताड़ बनने में क्षण भर भी नहीं लगेगा और आपके आपसी संबंध में टकराव हो सकता है, घर परिवार में भी कलह क्लेश हो सकता है, उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है, संतान प्राप्ति में या संतान को भी कोई रुकावट आ सकती है, कोई भी कार्य में अंतिम मौके पे हो सकता है भाग्य का साथ ना मिले, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, कई बार चोट चपेट आदि से भी आपको बचकर रहना होगा, कोई अपना कोई निजी या कोई जान पहचान वाला ही आपको हो सकता है धोखा भी दे। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत होती है। ऐसे जातकों को आंखों में कष्ट, शरीर में कष्ट, मानसिक अशांति, रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम जैसे कि मधुमेह आदि बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि, इन सब का भी समस्या हो सकती है, किडनी पाइल्स, ये सब भी समस्या भी दे सकता है। यदि बहुत ज्यादा अशुभ हो गया तो अशांत प्रवृत्ति का मन करवा देगा, मानसिक तनाव भी करवाता रहेगा, धन का अत्यधिक खर्च करवाएगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करवा सकता है। खान पान में भी ऐसे जातक कई बार अधिक तामसिक भोजन करना पसंद करें, क्योंकि मंगल एक क्षत्रिय वर्ण का तमोगुणी ग्रह है, अग्नि तत्व भी ग्रह है, तो मंगल वैसे भी अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो आपको थोड़ा तामसिक भोजन जैसे मांस मछली मदरा का सेवन हो सकता है अत्यधिक करवा दे। कई बार तो मुंह में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुख रोग हो सकता है, दांत में समस्याएं हो सकती हैं, और कई बार ऐसे जाता छोटी छोटी बातों में भड़क से जाते और इस वजह से ज्यादातर इनके संबंध जो हैं वो खराब होते हैं। आइए अब जानते हैं मेष से लेके मीन लगन तक के जातकों को मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो क्या कुछ प्रभाव देगा, संक्षिप्त में जानते हैं। यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो मंगल आपके दूसरे भाव में यदि बैठता है तो वहां से आप देखें कि आपके लग्न का स्वामी तो है ही है, आपके अष्टम भाव का भी स्वामी, ज्यादातर बोल सकते हैं 70-80% आपको दूसरे भाव में बैठकर मेष लग्न वालों को भी फायदा ही देगा। बाकी विस्तार से इसका विश्लेषण अलग से किया जाएगा। मंगल एक आपके लग्न का स्वामी है, एक आपके अष्टम आयु भाव का स्वामी है, लेकिन चोट चपेट वगैरह से भी थोड़ा सा बच के रहना होगा। कोई भी बातों में जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं करना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है आपको। बाकी अलग अलग लग्न का विस्तार से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो ज्यादा अच्छा पता चल पाएगा कि आपके जन्म कुंडली में एक्चुअल में मंगल क्या परिणाम देगा। अब दूसरे नंबर वृषभ लग्न की यदि बात करें, आप वृषभ लग्न के जातक हैं और आपके द्वितीय भाव में मंगल यदि विराजमान है तो आपको भी मेष से थोड़ा सा कम लेकिन लगभग ठीक ठाक परिणाम देगा। लेकिन याद रहे कि मंगल आपके लिए मार्केश माना जाता है, स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि मार्केश होके मारक भाव, दूसरा भाव भी मारक है। मंगल आपके जन्म कुंडली के सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठेंगे तो प्रबल मार्केश हो जाएंगे। मंगल की दशाओं में बड़ा सोच समझ के संभल के चढ़ने की जरूरत है। लेकिन काम काज धन संपत्ति इन सब बारे में बात करें तो लगभग ठीक ठाक परिणाम देगा, लेकिन जुबान पर नियंत्रण करना होगा, क्रोध बहुत कम करना होगा।
अन्यथा मंगल आपके लिए आप बोल सकते हैं कि मिश्रित प्रभाव दे सकता है, एकदम से शुभ प्रभाव की बात ना मानकर चले। अब बात करते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल का परिणाम ज्यादातर मामलों में अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के हो जाएंगे और आपके जन्म कुंडली में वो छठे एवं एकादश भाव के स्वामी, तो नीच राशि का मंगल वैसे भी बहुत अच्छा शुभ परिणाम तो देगा नहीं। आपको संभल कर चलना है, बहुत सतर्क रहना है। आपके लिए मंगल दूसरे भाव में बहुत ज्यादा फलदायी नहीं है। बाकी कुंडली का और बहुत सारे विस्तार से आपकी जन्म कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। और एक बात तो यह भी है कि यदि लाभेश द्वितीय भाव में बैठा है तो अच्छा है, लेकिन यहां शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉर्ट में मंगल नीच राशि का होकर दूसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो आपके लिए सबसे शुभकारी परिणाम मंगल देने वाला है, बेशक वो दूसरे घर में बैठा है, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। वो आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण, त्रिकोण में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और केंद्र में दशम भाव के स्वामी बनते हैं, और दूसरे भाव में बैठे हैं, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ करवा सकता है, धन वृद्धि करवा सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है। मंगल आपको अनेक प्रकार के सकारात्मक परिणाम दिला सकता है, पूर्व में जो बताएं शुभ परिणाम, वो सारे शुभ परिणाम मंगल आपको दे सकता है। अब बात करते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए भी मंगल बहुत योग कारक है, केंद्र में चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं तो वहीं त्रिकोण में नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और ऐसे में द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं, तो शानदार जानदार और जबरदस्त परिणाम आपको मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का परिणाम सिंह लग्न वालों के लिए भी अच्छा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बात यहां गौर करना है कि कन्या राशि में मंगल बैठेगा तो कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध से बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं माना जाता, तो उसके वजह से कुछ परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल सिंह लग्न वालों के लिए भी दूसरे भाव में भी बैठकर मंगल ठीक ठाक ही परिणाम देगा। कन्या लग्न की यदि बात करें तो कन्या लग्न को मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और बैठे हैं धन भाव में, तो धन को लेके कभी कभी तो अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अचानक से कोई बात बनता बनता बिगड़ भी सकता है। आप अधिक उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा गलत फैसला भी कर सकते हैं। आपके लिए मिश्रित परिणाम देखने को मंगल दूसरे भाव में दे सकता है, विस्तार से आपके कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चल पाएगा। अब बात करें तुला लग्न की, तो तुला लग्न वालों के लिए मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है, क्योंकि तुला यदि आपका लग्न है तो दूसरे भाव में मंगल स्वराशि का बैठ जाएंगे और मंगल की जो दूसरी राशि है वो केंद्र में ही सप्तम भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में मंगल का बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, खास करके दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, धन संपत्ति को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, भाग्य को लेकर, आयु भी आपका ठीक ठाक करेगा। कुल मिला के तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम मंगल देने वाला है, यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं रहा तो। अब धनु लग्न की यदि बात करें तो यहां थोड़ा सा माइनस प्लस वाली बात हो जाएगी, जबकि मंगल दूसरे भाव में उच्च राशि का होकर बैठेंगे तो कई बार कई लोगों को तो बहुत जबरदस्त शानदार परिणाम देखने को मिलेगा, धन संपत्ति होगी बहुत, लेकिन धन का खर्च भी होगा, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है और मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी है, खर्चा करवाएगा, एक जगह टिकने नहीं देगा, हो सकता है घर से दूर करवा दे, परिवार से भी दूर करवा दे, संतान पक्ष से भी कुछ मतभेद करवाए, तो कुल मिला के वैसे तो कई मामलों में अच्छा है, लेकिन आप इसको मिडिल में ले सकते हैं कि बहुत मतलब मिश्रित परिणाम बोल सकते हैं। उच्च का मंगल दूसरे भाव में होगा उसके बावजूद। अब मकर लग्न की यदि बात करें तो मंगल आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, धन भाव से संबंध बना रहे, तो धन संपत्ति को लेके तो बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलने वाला है, आपके लिए भी लगभग मंगल बहुत शुभ परिणाम देगा, मकर लग्न के जातक हैं तो भी, किंतु चूंकि वो शनि की राशि है, कई बार मंगल का शनि से कुछ मामलों में
अंतर्द्वंद हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपको भी संभल कर चलने की जरूरत है। बाकी जो शुभ परिणाम मैंने मंगल के से संबंधित बताए हैं वो सारे शुभ परिणाम आपको भी मिल सकते हैं। अब अगर कुंभ लग्न की बात करें तो मंगल आपके दशम भाव एवं तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव में संबंध बना रहे हैं, तो आपके लिए भी ज्यादातर मामलों में बोल सकते हैं कि मंगल अच्छा ही परिणाम देगा, क्योंकि बृहस्पति के राशि में मंगल अपने आप में अच्छा है। दूसरा, दशमेश यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो कैरियर आपका बहुत स्ट्रांग करेगा, अपने मेहनत के बल पे आप अपना धन संपत्ति मकान वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं, घर परिवार के लिए भरण पोषण के लिए जबरदस्त आपके लिए मंगल परिणाम देगा। फिर भी सतर्कता आपको बरतना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें मीन लग्न के लिए तो मीन लग्न के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव में स्वराशि का बैठेंगे मंगल, तो आपके लिए तो शानदार जानदार जबरदस्त रहने वाला है, धन संपत्ति का जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, संतान पक्ष साथ मिलेगा, अचानक कोई बहुत बड़ा मुनाफा भी करवा सकता है, पैतृक संपत्ति में भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर मंगल के जो जो शुभ परिणाम आपको बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मंगल के अशुभ प्रभाव जिन जिनको मिलते हैं उनको खास करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लाल मसूर के दाल का दान कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं मंगलवार के दिन। हनुमान जी को यदि आप पुरुष हैं तो लाल सिंदूर अर्पित करें, और अगर स्त्री हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान आरती कर लें। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भोमाए नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल का परिणाम पर अभी उपाय का भी एक विशेष वीडियो अलग से जरूर बनाएंगे और बाकी भावों में मंगल का क्या क्या परिणाम होगा उन सभी बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।